hello students welcome to my channel I'm your science teacher Charu today we will read chapter 11 the moon and eclipses so topic of these chapters are the earth and the moon surface of the moon phases of the moon eclipses of the moon and sun and artificial satellites so we will read chapter 11 the moon and एक्लिप्सिस सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द अर्थ एंड द मून यू सी द मून शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट द मून इज आर नियरस्ट नेबर इन स्पेस इट इज अबाउट फोर हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ देअर फोर इट अपीयर सो बिग फ्रॉम द अर्थ विच मीन्स आप स्काई में नाइट को क्या देखते हैं मून जो कि शाइन कर रहा होता है तो मून है हमारा अर्थ का नियरेस्ट नेबर इट इज़ अबाउट फोर हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ तो इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है फोर हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर यानी कि ये अर्थ से फोर हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर दूर है देरफो इट्स अपीयर सो बिग फ्रॉम द अर्थ तभी ये आपको अर्थ से बहुत बड़ा दिखाई देता है द मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ मून क्या है अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट जैसे आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो किया गया है आर्ट शो की गई है मून शो किया गया है तो यहाँ पर जो सन लाइट है जो सन से लाइट है वो मून की तरफ आ रही है तो मून क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट ऑफ सन मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन और राइट साइड आपको सरफेस ऑफ मून की पिक्चर शो की गई है तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि जो सन लाइट है वो मून की तरफ आ रही है तो जो मून है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सन की लाइट को नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सरफेस ऑफ द मून द ग्रेविटी ऑफ द मून इज ओनली वन बाय सिक्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सो समथिंग विच वे थर्टी सिक्स के जी ऑन द अर्थ विल वे ओनली सिक्स के जी ऑन द मून विच मीन्स जो ग्रेविटी है मून की वो कितनी है अर्थ की ग्रेविटी की वन सिक्स तभी अगर जो अर्थ पर थर्टी सिक्स के जी का वेट है वो मून पर कितना लगता है ओनली सिक्स के जी कि अगर किसी का वेट अर्थ पर थर्टी सिक्स किलोग्राम है तो मून पर उसका वेट कितना होगा सिक्स किलोग्राम ये क्यों है क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो वन बाय सिक्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ है द सर्फेस ऑफ द मून इज सॉलिड एंड अनइवन जो मून का सरफेस है वो कैसा है सोलिड एंड अनिवन देर आर हाई माउंटेंस एंड प्लेन्स ऑन द मून देर आर बिग एंड स्मॉल क्रेटर्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ मून विश मीन्स जो मून का सरफेस है वो सोलिड है और अनिवन और वहाँ पर हाई माउंटेंस एंड प्लेन्स हैं और जो मून का सरफेस है वहाँ पर बिग और स्मॉल क्रेटर्स स्कैटर्ड हुए हैं यानी कि बिखरे हुए हैं

इट सर्फेस इज़ कवर्ड विद द लेयर ऑफ डस्ट तो इसका जो मून का सर्फेस है वो किससे कवर्ड है डस्ट की लेयर से कवर्ड है नाउ फैक्ट फाइल इफ़ यू कुड जम्प टू अ हाइट ऑफ वन मीटर ऑन द अर्थ यू वुड बी एबल टू जम्प टू अ हाइट ऑफ सिक्स मीटर्स ऑन द मून विद द सेम एफर्ड विच मीन्स अगर आप अर्थ पर वन मीटर की हाइट पर जम्प करते हैं तो आप मून पर सेम एफर्ट से सिक्स मीटर की हाइट तक जंप कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अर्थ पर वन मीटर की हाइट पर जंप करें तो आप उतने ही एफर्ट से मून पर सिक्स मीटर की हाइट तक जंप कर सकते हैं सो वी हैव डिस्कस सरफेस ऑफ द मून तो मून का सरफेस कैसा था सॉलिड और अनइवन और वहाँ पर हाई माउंटेंस और प्लेन्स हैं बिग एंड स्मॉल क्रेटर्स हैं और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि मून पर ना ही एटमोसफियर है ना ही वॉटर है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फेजिज ऑफ द मून द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन वी कैन सी द मून वैन इट्स लाइटेड साइट इज टू वार्ड द अर्थ विच मीज जो मून है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है ये कब शाइन करता है ये शाइन करता है क्योंकि जो ये सन से जो लाइट आ रही है इस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है तभी हमें मून की लाइट दिखती है यानी कि जो सन लाइट है वो मून की तरफ आती है और जो मून है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तभी हम मून को शाइन करते हुए देख सकते हैं वी कैन सी द मून वेन इट्स लाइट साइड इज टूवर्ड द अर्थ और हम मून को कब देख सकते हैं जब उसके लाइटेड साइड अर्थ के साइड हो गई यानी कि अर्थ की तरफ होगी जब उसकी लाइटेड साइड तभी हम मून को देख सकती हैं द रेस्ट ऑफ द मून इज डार्क जो अर्थ के साइड होगी लाइटेड साइड तो वही मून हमें दिखाई देगा जो रिमेनिंग पार्ट है मून का वो कैसा होगा डार्क the different shapes of the moon as seen from the earth are called phases of the moon jo moon ke different different shapes hain wo hum jo hum earth se dekh sakte hain unhe hum kya kehte hain phases of the moon so हमने क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किए जो मून है उसकी अपनी कोई light नहीं है वो sunlight को ही reflect करता है और जो अर्थ की तरफ उसकी लाइटेड साइड है मून की हम उसी पोर्शन को देख सकते हैं और जो रेस्ट पोर्शन है मून का वो डार्क है और जो डिफरेंट डिफरेंट मून की शेप्स हैं उन्हें क्या कहेंगे फेजेस ऑफ द मून नाउ देर आर फाइव फेजेस ऑफ द मून नाउ फर्स्ट इज न्यू मून वैन द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस गेट्स नो सनलाइट एट ऑल एज अ रिजल्ट वी कैन नॉट सी द मून एंड वी कॉल इट अ न्यू मून डे वन विच मीन्स जो मून की साइट जो हमारी तरफ यानी कि अर्थ की तरफ फेस कर रही है अगर वो उसे सनलाइट ना मिली तो क्या होगा सनलाइट तो उस पोर्शन को नहीं मिली मून की उस साइट को नहीं मिली तो अब वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं मिली तो हम उस पोर्शन को नहीं देख सकते तो उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे तब हम मून को कहेंगे न्यू मून और ये कब होगा डे वन नाउ नेक्स्ट क्रेसेंट मून वेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज सीन देन वी कॉल इट अ क्रेसेंट मून विच मीन्स जब मून का स्मॉल पोर्शन ही दिखाई दे तब हम उसे क्या कहेंगे क्रेसेंट मून नाउ ये कब होगा डे फोर पर नाउ नेक्स्ट हाफ मून व्हेन हाफ ऑफ द मून कैन बी सीन विच मीन्स जब हमें मून का हाफ पोर्शन दिखाई देगा तब उसे हम क्या कहेंगे हाफ मून दैट इज़ ऑन डे सेवन नाउ नेक्स्ट गिबस मून आफ्टर थ्री मोर डेज वी सी थ्री क्वार्टर्स ऑफ द मून दिस इज़ द गिबस मून डे टेन विच मीन्स तीन दिन बाद हमें जो मून का थ्री क्वार्टर्स पोर्शन दिखाई देगा तो हम तब उसे क्या कहेंगे गीबस मून ये कब होगा डे टेन पर नाउ नेक्स्ट फुल मून इन टू वीक्स द एंटायर साइड फेसिंग अस गेट सनलाइट वी कैन देन सी द फुल मून विच मीन्स टू वीक्स में जो मून की एंटायर साइड होगी जो कि अर्थ की साइड फेस करती है तो उसे सनलाइट मिलेगी और हम तब फुल मून देख सकेंगे और वो कब होगा डे फोर्टीन। सो फर्स्ट मून था डे वन नेक्स्ट डे फोर नेक्स्ट डे सेवन यानी कि थ्री थ्री डेज का गैप है नेक्स्ट डे टेन और नेक्स्ट डे फोर्टीन। सो जो डे वन है वो होगा न्यू मून नेक्स्ट डे फोर क्रेसेंट मून डे सेवन हाफ मून डे टेन गिबस मून डे फोरटीन फुल मून सो so, आप पिक्चर में भी ऑब्जर्व करेंगे डे के अकॉर्डिंग जो मून दिखाई दे रहे हैं जैसे अब यहाँ पर सन लाइट है वो मून की तरफ आ रही है तो आप देखेंगे डे दे वन डे वन को हम क्या कहेंगे न्यू मून तो आफ्टर थ्री डेज यानी डे फोर डे फोर में हमें स्मॉल पोर्शन ही मून का दिखाई देगा तो उसे हम कहेंगे क्रेसेंट मून नाउ नेक्स्ट थ्री डेज़ के बाद यानी कि डे सेवन पर हमें हाफ मून दिखाई दे रहा है तो पिक्चर में भी आपको हाफ मून दिखाई दे रहा है ऐसे ही आफ्टर थ्री मोर डेज यानी कि डे टेन डे टेन पर आपको थ्री क्वार्टर पोर्शन ही मून का दिखाई दे रहा है नाउ आफ्टर थ्री मोर डेज यानी कि डे फोर्टीन तब आपको फुल मून दिखाई देगा ऐसे ही थ्री थ्री डेज़ के बाद ये मून अगेन ऐसे ही घटता जाएगा यानी कि डे सेवेंटीन डे ट्वेंटी वन डे ट्वेंटी फाइव तो यानी कि ये इस तरह से ही हमें मून शो होता रहेगा तो नाउ डे वन ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में देखिए डे दे वन न्यू मून डे फोर में स्मॉल पोर्शन दिखाई दे रहा है डे सेवन में हाफ मून दिखाई दे रहा है डे टेन हमें डे टेन में थ्री क्वार्टर्स दिखाई दे रहा है डे फोर्टीन में हमें फुल मून दिखाई दे रहा है ऐसे ही जो डे सेवेंटीन है उसमें स्मॉल पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा डे ट्वेंटी वन यानी कि हमें हाफ मून दिखाई दे रहा है ऐसे ही डे ट्वेंटी फाइव में जो हाफ पोर्शन था वो अब हमें नहीं दिखाई दे रहा हमें ओनली स्मॉल पोर्शन ही दिखाई दे रहा है तो इस तरह से जैसे जैसे सनलाइट मून की तरफ रहेगी वैसे वैसे ही हमें जो मून है रिफ्लेक्ट करेगा सनलाइट को और हमें मून शो होगा सो वी हैव डिस्कस डिफरेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर इलेवन द मून एंड एक्लिप्सिस which are the earth and the moon surface of the moon and phases of the moon so we will continue this chapter in next lecture thank you